आप सभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में इस स्टॉक में दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और शानदार तरीके से दोस्तों स्टॉक टारगेट भी दिखाएगा तो क्या खास होने वाला है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में और दोस्तों इस कंपनी में आपके लिए जो फायदे है वो यहाँ पर आप समझना पूरे इंडिया में दोस्तों ऐसी कंपनी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और इसके जैसे दोस्तों एडवांटेज भी किसी भी बाहर के कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे अब यहाँ पर ऐसा क्या खासियत है और क्यों कंपनी परफॉर्म करेगी मैं विद लॉजिक यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना आपको कोई इश्यू हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछिए कोई स्टॉक सेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछिए मेरा काम है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सभी डिटेल यहाँ पर बता दूंगा और दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना वीडियो को देखने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर नॉलेज बढ़ाइए कंपनी के बारे में मैं यहाँ पर नॉलेज बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना चार क्वांटिटी पाँच क्वांटिटी जो रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं दस क्वांटिटी पचास क्वांटिटी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस पर से आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रखना चाहिए स्टॉक में वो पता चलता है सभी डिटेल पता चलती है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पर हम जैसे जैसे परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों जो ग्रोथ होती है वो कोई बड़ी देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर आप सभी जानते हैं आपके पास शेयर होगा तो आपको पता चलेगा जरूर आपका ऑब्जर्वेशन हो तो अब यहाँ पर देखिए आज भी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है पिछले मैं छः महीने की भी बात करूँ तो छः महीने में भी स्टॉक ने देखिए सात परसेंट के ऊपर रिटर्न कमा के नहीं दिया जैसे एफ में दोस्तों रिटर्न मिलता है उसी तरीके से देखने को मिलता है बोलते तो नॉर्मल रिटर्न है कोई बड़ा परफॉर्मेंस जैसे बीस पच्चीस चालीस परसेंट का जो होता है ना वो नहीं देखने को मिल रहा है अभी ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आप कहूँगा दोस्तों इसकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो यहाँ पर तेजी से नहीं हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कोविड नाइन्टीन की जो यहाँ पर अभी तेजी थी पहले कुछ यहाँ पर महीनों के पहले उसका इम्पैक्ट इस पर देखने को मिला है अभी जो दोस्तों तेजी आएगी इसमें वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ में रहेगी लॉजिक क्या है दोस्तों दिवाली फेस्टिवल आप बोलेंगे उसका और डिक्सोन टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन तो दोस्तों मैं आप कहूँगा वॉशिंग मशीन फ्रिज ए सी यहाँ पर आपको कहूँगा दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स होते हैं चीज़ें होती है फैन हो जो भी चीज़ें वो और दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी कुछ अलग चीज़ें जो बनाती है मोबाइल हो उनकी भी डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है उसका फ़ायदा बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसको मिलेगा ये सबसे नंबर वन पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था और इसमें वैल्यूम भी देखेंगे तो नज़र भी आएगा आपको काफ़ी अच्छी तरीके दोस्तों इसमें वैल्यूम देखने को मिलता है आज यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चल जाए चालीस परसेंट का वैल्यूम सिक्सटी एट थाउजेंड क्वान्टिटी खरीदेगी दोस्तों एक लाख सैसठ हजार का यहाँ पर ट्रेड इसमें देखने को मिला है अभी यहाँ पर देखिए जो स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है वो बहुत ही खास है चार हजार पाँच सौ रुपये का टारगेट दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना चाहिए चार हजार दो सौ बीस पर और स्टॉक यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है देखिए तीन चार हज़ार तीन सौ चालीस तीस के रुपए के करीब तो यहाँ पर आप ज़रूर इसका फायदा उठाइए और मैं आपको कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज अच्छी तरीके से दोस्तों और इसमें ग्रोथ हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया देखने को मिलने वाली है तो माइंड में यही रखना है और मैं आपको कहूँगा दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रहने वाला है इसके पास कूलर सॉरी यहाँ पर आप कहूँगा जो जितने भी इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर कंपोनर होते हैं छोटे मोटे मशीनरी हो सब कुछ यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा समझे कि क्या है भाई और कौन बनाता है बोलकर और आपको पता है दोस्तों दिवाली के जैसे फेस्टिवल पर ये जो वॉशिंग मशीन होती है या यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की बात करें उनकी कितनी डिमांड है और लोग ख़रीदते भी है और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास एडवांटेज है मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर टेलीकॉम से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने से रिलेटेड मोबाइल में भी दोस्तों बहुत से पार्ट जो होते हैं वो भी बनाती है कंपनी और जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमें जितने भी ब्रांडेड चीज़ें देखते हैं को मिलती है ना एल की हो या अलग अलग कंपनियों की वो यहाँ पर यही कंपनी बनाती है क्या होता है लोगों को यही पता नहीं है बनाता कौन है खाली यहाँ पर उनका लोगो देख ही लोग खरीदते हैं अब इसमें देखिए दोस्तों बीस एनालिसिस यहाँ पर फिफ्टी परसेंट कहते ख़रीदना चाहिए बोलते इसमें से दस परसेंट लोग कह रहे हैं कि इसमें खरीदना चाहिए बोलकर जो निवेशक है एनालिसिस है वो सभी बता रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जो चीज़ें हैं उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में और एक कंपनी के मैंने टारगेट भी आपके आगे रखे एक एक पॉइंट क्लियर किया ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं और मैं आपको ये भी कहूँगा दोस्तों कि इसके जो आने वाले जो रिज़ल्ट रहेंगे वो शानदार तरीके से रहेंगे बोल तो यहाँ पर जो क्वार्टर टू के रिजल्ट बता रहा हूँ उसका सबसे बढ़िया तरीके से स्टॉक में हमें असर देखने को मिलेगा देखिए रिजल्ट से पहले ही माल उठा कर रखना ये सबसे बड़ी समझदारी है और जिनके पास है ना वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं हाई लेवल पर हो तो और जो खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा रुकना दोस्तों आपको सुटेबल प्राइस पर लगे तो आप खरीद सकते हैं थैंक यू सो मच